आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है शोन इन द फिगर इज अ वेरी लॉन्ग सेमी सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग अ करंट आई एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द सेमी सिलेंडर Basically force per unit length करेंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज आई बी आई नॉट दस परंट फ्लो कर रही है मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन टू पैरल करेंट्स तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरल करेंट्स सो जैसे हम यहाँ पर दो करंट जा रही है आई वन और आई टू और वो दोनों डी डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं सो उसमें उन दोनों में फोर्स एक्ट करता है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता हो है फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल टू डिडेड बाई टू पाई डी सो इसी चीज को अपने वाले फिगर से कंपेयर करते हैं मान लेते हैं सेंटर हो गया तो मान लो थीटा एंगल के बाद एक हमने डी थीटा एलिमेंट ले लिया तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही होगी डी आई so, सो Di डी आई की डायरेक्शन किधर होगी मतलब अंदर जा रही होगी ठीक है अब यहाँ से डी आई हम लोग कैसे लिखेंगे सो डी आई होता है टोटल करंट इनटू डी थीटा जितने एंगल पर वो है और डिवाइडेड बाय टोटल एंगल सो टोटल एंगल यहाँ पे पाई है एक सौ अस्सी अब देखो अगर सिलेंडर में आपने अंदर की ओर अजीम किया हुआ है तो हमारा जो फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में इसी तरह से अगर सेम थीटा पर आपने एक एक इधर कंसिडर किया हुआ है एलिमेंट तो उसकी वजह से इधर रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है डी एफ सो अब इन दोनों को मिला दो तो ये एंगल थीटा हो जाएगा इसका मतलब अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए सो तो आप लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू डी एफ कॉस थीटा सो तो बेसिकली ये टू डी एफ साइन थीटा टू डी एफ साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे अब पर नेट जो बचेगा वो 2df cos थीटा वाला बचेगा इस डायरेक्शन में थीटा 0 से हमें कितना लेना है हमने बीस से स्टार्ट किया तो थीटा 90 तक जाएगा ना और दोनों को पहले से ही ऐड कर लिया है थीटा को वन 180 दोबारा मत ले जाना थीटा 90 तक ही जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे पाई बाय टू सो अब हम लोग पुट कर देते हैं फोर्सेस की वैल्यू सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 μ0 i0 di लेंथ डिवाइडेड बाय टू पाई डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रेडियस है और कॉस थीटा है और डीआई की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं डीआई की वैल्यू अपन ये लोग ये वाली पुट कर देंगे तो यहाँ से अपन का आता है so इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन थीटा हो जाएगा और साइन नाइनटी वन हो जाएगा साइन जीरो जीरो सो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे वन ही आएगा म्यू नॉट आई नॉट आई इन टू एल अपॉन पाई स्क्वायर आर तो अगर आप इसको एफ अपॉन एल लिख लें फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन पाई स्क्वायर आर अगर so, हम को देखें तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच करता है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट न्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर